एक रात जब मैं घर में अकेला था तो मैंने सोचा क्यों ना डार्क वेब चला लूं, क्योंकि वहां पर काफ़ी अजीब लोग आते हैं जो कि काफ़ी अजीब होते हैं। जैसे ही मैंने डार्क वेब ओपन की तो वहां डेथ का ऑप्शन आया। मैं ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया और मैंने सोचा क्यों ना वापस चला जाऊं। लेकिन जैसे ही मैं जाने वाला था वहां पर एक और लिंक आया जिस पर लिखा हुआ था अपने खुद के रिस्क पर देखें। मैंने उस पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया तो एक अजीब सी वीडियो ओपन हो गई जिसमें एक हॉल दिखा रहे थे। वो बिल्कुल खाली था और काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन कमरे में मुझे एक बाजू दिखाई दिया जिसको देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गया। और अचानक से एक लड़की वीडियो की तरफ भागती हुई आई जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और मैं खुद काफ़ी ज़्यादा डर चुका था क्योंकि मैंने खुद पहली बार ऐसा कुछ देखा है। और वो लड़की रोने लगी और उसका मुँह बिल्कुल सिला हुआ था। मैं ये देखकर डर गया। और 10,000 लोग उसको देख रहे थे और उसने एक पोस्टर बनाया हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, अगर कोई मुझे देख रहा है तो मेरी हेल्प करो प्लीज़। और मैं ये सब और नहीं देख सकता था। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ भाग गया। बेला, तुम्हें पता है वहाँ पर क्या हुआ? क्या हुआ वहाँ? डार्क वेब पर एक लड़की थी जिसके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हो रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका हूँ और उसके रोने की आवाज़ हम तक आने लगी। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, मैं पुलिस को बुला लूँ। बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो, जाकर सो जाओ, डार्क वेब पर ऐसी ही वीडियोज़ मिलती हैं। मैंने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि जब भी मैं सोने वाला था वो लड़की का फेस मेरे सामने आ जाता था। डर की वजह से मुझे नींद नहीं आई तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर चला जाऊं। जैसे मैं बाहर जाने लगा तो एक वैन मेरा पीछा करने लगी। जैसे मैं रुका वो भी रुक गई और उसी समय मेरी जीएफ की कॉल आ गई, हे बेला तुम कैसी हो? और दूसरी तरफ से बेला के रोने की आवाज़ आने लगी। मैं ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है, और मैं अपने घर की तरफ भाग गया। और जब वहां देखा तो वहां बेला नहीं थी। नहीं 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 नहीं। और बेला की कॉल दोबारा से आ गई लेकिन इस बार आवाज किसी और की थी। तुम डार्क वेब से भाग गए बच्चे, ये डार्क वेब तुम्हारे लिए नहीं है।